नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी। झांसी में एक महिला को युवक द्वारा पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें युवक पहले तो महिला को हाथ से पीटता हुआ नजर आया, इसके बाद पास में रखे पत्थर के खंडे से उसे कुचलने का प्रयास भी कर डाला। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला झांसी जनपद के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भेल चौकी के ग्राम खैलार का है, जहां आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक महिलाओं को परेशान करता है। इस बात का विरोध जब एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली युवक की शिकायत करने उसके घर पहुंच गई, तो बस फिर क्या था, कानून को जेब में रखने वाले युवक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और महिला को गाली गलौज कर बेरहमी से घसीट घसीट कर पीट डाला। जब इतने में भी मन नहीं भरा तो पत्थर का खंडा उठाकर उसे दे मारा। भगवान का शुक्र है कि महिला बाल बाल बच गई। और ये मामला मैं उसके घर जताने गई तो उसने मुझे गाली, उसके घर पे जे कहने गई कि अपने घर मुझे भैया को समझा लो, और मेरी बहुएं बेटियां, मैंने एक बार समझा दिया तो मैं दो बार समझा दिया, और तीसरी बार समझाने गई तो वो मुझे मारने पीटने लगा, गाली गुलज करने लगा, बदतमीजी से बोलने लगा। कुलदीप क्या क्या मुझे करता पुलिस में, वो उसका भाई पुलिस में ड्यूटी करता, तो मुझे समझा तो क्या मैं पुलिस में हूँ तो मेरा भाई चाहे कुछ भी कर लेगा। मेरा नाम दीपा है। दिक्कत इस लड़की से जो जहाँ यहाँ पर आकर रोज बैठता है, और उनकी मम्मी जो बोलती है कि वो पागल है, पर वो पागल नहीं है, वो सही है बिल्कुल। कभी यहाँ बैठेगा तो कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठेगा, उससे हम इतने परेशान है कि क्या बताएं। बैठकर बस यहीं को देखता रहेगा, एक घंटे बैठा रहेगा, दो घंटे, तीन घंटे, दिन भर बिल्कुल यहीं पर बैठा रहेगा और यहीं पर देखता रहेगा। उसकी जो दिक्कत है गंदी निगल से देखता और देखते रहेगा, कुछ बोलेंगे नहीं तब भी देखते ही रहता। अब आइए इन महाशय का हम आपको परिचय भी करा देते हैं, जिन्हें अपराध रोकने के लिए शपथ दिलाई थी, उन्हीं के घर में लोग महिलाओं के लिए शौर्य की गाथा लिख रहे हैं। इस दौरान लिख दी रसूखदार भाई ने गुंडाई की कहानी। घटना में अपने भाई को कानून की ढाल बनाकर मोहल्ले में घंटों तमाशा करता रहा, लोगों को डराता रहा, धमकी देता रहा, अपने संस्कारों कानून को पत्थर से कुचल दिया, रौन दिया, महिला को घसीट घसीट कर पीटने लगा। कानून को पत्थर से कुचलने वाला, महिला को अपमानित करने वाला इस गुंडे का नाम है करण राय। फिलहाल में इस पूरे मामले में जब वायरल वीडियो उच्च अधिकारियों के पास पहुंची तो पुलिस ने दोनों भाइयों को भेल चौकी ले आए और दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा करा दिया। धन हो बबीना पुलिस, इनके इलाके में चाहे बच्चा पीटा जाए या फिर महिला, चौकी पहुंचते ही तुरंत राजीनामा हो जाता है। काश ऐसे काबिल दरोगा सभी जगह तैनात हो जाएं तो बड़े से बड़े मामले राजीनामे से ही निपट जाएंगे। अमित सोनी, झांसी।